चलिए आज बनाते हैं ढेर सारे मिक्सचर वाले नमकीन, वो भी कई वैरायटी के। तो ये मैंने बड़ा वाला साबुदाना ले लिया है, मूंगफली और चूड़ा, पोहा भी बोलते हैं इसे, और इसको मैंने भून लिया है। इस पर मैंने काला नमक, काली मिर्च का पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ा सा वाइट सॉल्ट डाल के इसको मिक्स कर लिया है। और इसके बाद हमारा ये एक वैरायटी का नमकीन तैयार हो गया। इसको हम कंटेनर में रख लेते हैं, मतलब तीन चार चीज़ों से टेबल मिला करके मैंने तीन चार वैरायटी की अलग अलग तरह की स्नैक्स तैयार किए हैं। और ये हल्के लाइट वेट नमकीन जो है ना, कोल्ड ड्रिंक, कॉफ़ी, चाय किसी के साथ भी और शाम की हल्की फल्की धूप के लिए काफ़ी होते हैं। अब दूसरी वैरायटी है, मैंने सिर्फ सिंपल से पोहे और मूंगफली दाने को भून के ले लिया है, मतलब हल्का सा मैंने इनको हल्का फुल्का तेल डाल के फ्राई करा था। और इस पे मैं हल्के फुल्के मसाले जैसे कि थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा कश्मीरी वाला लाल मिर्च डाल रही हूँ ताकि उसका कलर भी थोड़ा आए, और थोड़ा सा इसमें मैंने सिर्फ काली मिर्च का पाउडर डाला है। और इन्हीं दो मसालों के साथ ना ये बहुत अच्छे लगते हैं। काला नमक तो मैं सब में ही डालती हूँ, वाइट सॉल्ट मैंने इसमें ऐड नहीं किया है। और ये एकदम सिंपल वाले वो वाले स्नैक है जो आप शाम को ना बिना किसी चीज़ के साथ ऐसे बैठ के टाइम पास के लिए खा सकते। एयर टाइट कंटेनर में मैंने इसको बंद करके रख दिया है। अब तीसरी वैरायटी जो है वो है कॉर्नफ्लेक्स की। तो मैंने कॉर्नफ्लेक्स वाले चिप्स को ना तल लिया है और इसमें ऐड करूँगी मैं थोड़े से मूंगफली के दाने और थोड़े से पोहे। तो पोहे बहुत हल्के ऐड कर रही हूँ, ज़्यादा इसमें कॉर्नफ्लेक्स के डालना है, मूँगफली भी मैं बहुत थोड़ा सा ही डाल रही हूँ। और सारे अपने चटपटे वाले मसाले जो आपको पसंद हो आप इसमें डाल सकते हैं। और ये नमकीन ना मेरी पर्सनली बहुत ज़्यादा फेवरेट है, और ये सारी नमकीन मैंने होली के टाइम में बनाई थी और मेरे पास ये वीडियो पड़ी हुई थी तो मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि ये सारे नमकीन की जो वैरायटी है ना वो सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। और आप लोगों को कैसा लगा मेरा छोटा सा ये फूड ब्लॉग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और ये देखिए मेरी ये कॉर्नफ्लेक्स वाली नमकीन भी रेडी हो चुकी है, खाइए पीजिए, इंजॉय करिए।